भाई मुझे हो रही थी बहुत देर से मिडनाइट क्रेविंग्स, देन आई डिसाइडेड कि मुझे बना लेनी चाहिए स्पाइसी चटखारेदार डिलीशियस मैगी। तो हमने मैगी ऐड कर ली है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैगी को इसके अंदर। सो भाई ये रेडी हो चुकी है हमारी स्पाइसी मैगी, बहुत मजे की टेस्टी। सलाम वालेकुम जी, तो कैसे हैं आप लोग, होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी कराची की लड़की, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं किचन में डायरेक्ट क्या कर रही हूँ। हाँ तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं भाई, मुझे हो रही थी बहुत देर से मिडनाइट क्रेविंग्स। सो मैंने जो है ना हर चीज ढूंढी कि भाई मुझे क्या मिल जाए जो मैं पकाऊं। देन आई डिसाइडेड कि मुझे बना लेनी चाहिए स्पाइसी चटखारेदार डिलीशियस मैगी, क्योंकि वही एक आसरा था और वही चीज़ मेरे पास पड़ी थी। तो भाई ये रेसिपी जो है ना बहुत ज़्यादा धमाकेदार, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई धमाकेदार होने वाली है और 3x स्पाइसी मैगी होने वाली है, क्योंकि ये मेरी रेसिपी है। और मैं स्क्रोलिंग कर रही थी तो मुझे बस मैगी 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 ही नज़र आ रही होती, मतलब जब आप सोच रहे होते ना कोई चीज़ तो आपका मोबाइल भी वही दिखा रहा होता है। और ये मैं अपनी रेसिपी खुद की ट्राई करने वाली हूँ। मैंने देखी तो बहुत रेसिपी, मुझे कुछ समझ कुछ नहीं आई, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं बना ही रही हूँ न्यू रेसिपी ट्राई कर रही हूँ तो ये ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेनी चाहिए। ये नॉर्मल मैगी नहीं होने वाली, ये अलग तरीके की यूनिक मैगी होने वाली है। तो इसके लिए मैंने सामान वगैरह यहाँ पर जो ना कलेक्ट करके बैठ चुकी हूँ। यहाँ कुछ सिलबट्टा, मतलब कोई भी चीज़ जो आपको कूटने में आसानी हो, तो ये वाली कूटने वाली कोई चीज़ लेनी है, सिलबट्टा या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप कूट सको अच्छे से मसालों को ना, ठीक है। यहाँ मैंने दो मैगी ले ली 30-30 रुपीस वाले दो पैक, ठीक है। मैं बनाऊंगी क्योंकि रेड वाली बनानी है, मींस कि स्पाइसी हो तो रेड वाली लेना ज़रूरी है आपको। और जो चीज़ घर में मौजूद है ना, मतलब इंग्रेडिएंट्स जितने भी है ना वो सब मेरे घर में मौजूद थे, मैंने कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाया, ठीक है। तो यहाँ जो है ना दो हम लोगों ने ये पैकेट ले लिया। उसके अलावा मैंने लेमन ले लिया और गार्लिक ले लिया और यहाँ हरा धनिया के कुछ टुकड़े ले लिए और यहाँ मसाले ले लिए। मसाले में आपको चाहिए नमक और ये पिसी मिर्चें शायद, क्या कहते हैं उसको, हाँ पिसी मिर्च शायद। और ये तीनों सॉस ले लिया आपने, मैंने भी कल मंगवा के रख ली थी क्योंकि आपको पता है मुझे कभी भी भूख लग जाती है तो ये सॉस मैं मंगवा के रखती हूँ, कभी भी इमरजेंसी मुझे भूख लगे तो मैं घर में कुछ भी बना के खा सकूँ क्योंकि इससे टेस्ट आ जाता है ना। तो भाई यहाँ मैं सारी चीज़ें लेके बैठ चुकी हूँ और अब जो है ना बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, आप लोग जरा शेयर करते हैं। और आप लोगों को जो है ना ट्विस्ट भी मिलने वाला है कि हम जो है ना इसको रिव्यूज़ के साथ साथ जो है ना एक ट्विस्ट के साथ टेस्ट करेंगे, समझ रहे हो बात को, नहीं समझोगे आगे वीडियो चलो, जब तक ये बन रही है आप लोग मेरे साथ रहो, स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड। जब ये रेडी हो जाएगी, जब हम खाने लगेंगे तो तब आप लोगों के लिए एक ट्विस्ट है। तो आप लोग मेरे साथ रहो, बिना टाइम वेस्ट के रेसिपी स्टार्ट करते हैं, नहीं तो आप लोग भाग जाओगे, ठीक है। चलो चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहती हूँ कि क्या 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 यूज़ होने वाला है। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने मैगी बॉईल करनी है, उसके लिए हमने लेना है एक खाली बाउल और लेनी है नॉर की मैगी। इसका जो मसाला निकले ना वो अलग कर लेना आप लोगों ने। फिर लेनी है हमने दूसरी मैगी और इसका भी मसाला आपने साइड कर लेना है, ठीक है। और इसके अंदर आपने ऐड करना है पानी। अच्छा जी, तो अब जो है ना हमें इसको करना है बॉईल करने रखना है, ओके। तो भाई यहाँ पर जो है ना मैंने रख दी है बॉईल करने के लिए मैगी, ठीक है। तो जी जब तक मैगी बॉईल हो रही है ना तो हम लोगों ने जो है ना अपना जो लहसुन थे ना उसके 8-9 ये ले लेना, हमने जवे कहते हैं आई थिंक ना, मतलब 8-9 जो है ना आपने लहसुन लेके अपने सिलबट्टे पे या किसी भी चीज़ पे जिस पे आपने कूटना है इनको उस पे रख लेना है। 7-8 लिए मैंने, मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर इसको अच्छे से आपने पीसना, जब तक आपकी मैगी बॉईल हो रही है तब तक आपने ये प्रोसेस करना है, ठीक है। तो आइए मैं दिखाती हूँ अब आपको। हाँ जी, तो भाई यहाँ जो है ना मैंने 10 लहसुन लिए, 10 लहसुन के टुकड़े लिए, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना हम ऐड करेंगे नमक, मैं आपको जो है ना हिसाब से मतलब 1 टेबल स्पून आपने नमक ऐड करना है इसके अंदर, ओके। और 1 टेबल स्पून आपने पिसी मिर्च ऐड करनी है इसके अंदर, ये वाली, ओके। देन अब हमें इसे जो है ना अच्छे से पीसना है। अच्छा जी, तो यहाँ जो है ना हमारा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है,
ओके, आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है किसी भी प्लेट में, इसको अच्छे से साफ कर लेना है। मुझे ना इसको देखते ही देखते ही मिर्चें लग रही हैं। तो भाई हमारा जो ये रेड चिली पेस्ट है ना, वो आप लोग देख सकते हो कितना तैयार हो गया, कितना अच्छा तैयार हुआ है। और ये मतलब देखने में इतना जो है ना स्पाइसी लग रहा, तो सोचो जब बनेगा तो कितना स्पाइसी होगा। अच्छा जी, तो जब तक हमारी मैगी बॉयल हो रही है, अभी तक 2 मिनट वाली मैगी रेडी नहीं हुई, तो ये चिली पेस्ट हमारा रेडी है। अब हमने 2 लेमन लेने हैं और बाकियों को साइड रखना है, और इसको अच्छे से कट कर लेना 2 पीसेस में, ठीक है। 2 पीस में हमने कर लिया, और इसको भी हमने 2 पीस में करा, मतलब 4 पीसेस कर लेना आपने अच्छे से। और इसको हमने अच्छे से ऐसे करके छोटे छोटे पीसेस में ऐसे छोटे छोटे पीस कर लेना हमने हरा धनिया के, ठीक है, छोटे छोटे से बिल्कुल। सो भाई ये देखो, ये मेरी टॉपिंग प्लेट है जो तैयार हो गई है। जब मैगी बन जाएगी तो उसके ऊपर हम जो टॉपिंग करेंगे वो प्लेट रेडी कर ली है मैंने, इसको भी साइड कर लेते हैं। ये देखो मेरी मैगी बॉयल हो रही है, और मैं ये जो है ना ये पैकेट पकड़ के बैठी हुई, और मैं ना सोच रही, मैंने बोला यार लोग बोलते हैं कि 2 मिनट में मैगी, देखो 2 मिनट तक हिलाओ, 2 मिनट तक पकाओ, 2 मिनट में पकाओ। वाह, मैं लिटरली 10 मिनट से खड़ी हूँ। मैंने अपना रेड चिली पेस्ट भी तैयार कर लिया, मैंने नूडल्स के ऊपर जो टॉपिंग करनी है वो भी रेडी कर ली, और ये जनाब अभी तक रेडी नहीं हुआ है। मैं इसको मतलब सोच में पड़ गई, मैंने बोला यार कहाँ लिखा हुआ है ऐसा कि 2 मिनट में आप पकाओ और खा जाओ, कहाँ लिखा हुआ है भाई, आप लोग भी मुझे बता दो कहाँ लिखा हुआ है। मतलब लिटरली 10 मिनट से खड़ी खड़ी मेरा हालत बुरी हो गई, लेकिन ये पकने में नहीं आया जनाब। तो भाई बस हमारी नूडल्स जो है ना, ये देखो ये हमारे नूडल्स हल्के हल्के से जो है ना पक जाए, तो आपने उतार लेना है। बस हम एक दो मिनट और पकाएंगे मैक्सिमम, हम उसको भी उतार लेंगे। और बस अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, क्योंकि मतलब आपको पता, जब मैं कुछ पका रही होती हूँ या कोई स्पाइसी चीज़ पका रही होती ना, मुझसे तो वैसे भी नहीं रहा जाता, बस दिल चाह रहा जल्दी से पके और जल्दी से मेरे पेट में जाए। 2 मिनट हो गए हैं और मेरी मैगी जो है ना रेडी हो चुकी है, ठीक है, ये बॉयल हो गई है, और अब जो है ना हम इसको उतार लेते हैं। अच्छा, तो अब हम इसको उतारना है और इसको इधर रखना है, ठीक है, और इसको जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बाउल में कन्वर्ट कर लेना आपने, ठीक है। यहाँ मैंने कर लिया, अब इस पतीले को हम यहाँ रखते वॉश करते हैं पहले। अच्छा जी, तो 2 मिनट हो गए हैं जी, और हमारी मैगी भी बॉईल हो गई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी गरम गरम हवा आ रही है इसके अंदर से एकदम हीट वाली। तो अब जो है ना हमारा रेसिपी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, और बस कुछ ही देर है, इंतज़ार की घड़ियाँ आपकी ख़त्म होने वाली हैं। आप थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा इतू सा वेट करें, आप रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले ले लेना है फर्स्ट स्टेप पे एक बाउल, ठीक है, और इसके अंदर करना है 1/2 कप ऐड ऑयल, ओके। तो ऑयल डालने के बाद आपने डायरेक्ट डालना है जो हमने पेस्ट बनाया था वो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखो, ठीक है। अब इस पेस्ट को हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है। तो देखो भाई, ये हमारा जो पेस्ट था ना वो अच्छे से मिक्स हो गया, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। अब जो है ना इसके अंदर हमने ऐड करना है जी कनौर का मसाला, ठीक है, 2 मसाले थे तो दोनों ऐड करेंगे हम। और इसको भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे जी। तो भाई इसके अंदर जो है ना हमने कनौर का मसाला भी ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है ना इस टेक्सचर के अंदर इससे अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। और फिर हमने इसके अंदर जो है ना 1/2 लेमन ऐड करना है। ओ शिट, उई 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 उई, बस 1/2 लेमन आपने ऐड करना है, ओके। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो भाई इसके अंदर जो है ना मैंने ये वाली सॉस डाली है, सोया सॉस और चिली सॉस, तो उसको खोल लेते हैं। तो ये रही जी हमारी चिली सॉस, ठीक है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मार्केट से मिल जाएगी, छोटी बॉटल्स मंगवाती हूँ मैं, ओके। और आपको इसके अंदर ऐड करना है, ऐसा ऐड कर लो, ठीक है, चिली सॉस, इसको अच्छे से मिक्स कर लो।
और फिर इसके अंदर डालो सोया सॉस थोड़ा सा बिल्कुल, ओके मतलब एक ढक्कन एक कैप डाल लो इसका, इसका कैप देख रहे हो ना छोटा है, ये वाला कैप डाल लो एक, और ये अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आपको चिली चाहिए, और इसको अब मिक्स करो अच्छे से। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो ये चेक करो स्पाइसी मसाला, चेक करो आप कितना ज़बरदस्त स्पाइसी लग रहा है, रेड रेड कितना टेस्टी लग रहा है। ये हो गया हमारा बनके रेडी, ठीक है अब इसके अंदर हम मैगी ऐड करेंगे। सो भाई ये देखो ये आ गई हमारी मैगी, दो मैगी, और जो उसका पानी था वो मैंने डले रहने क्योंकि मुझे सूपी 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 वाली पसंद है ना, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी मैगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हमने मैगी ऐड कर ली है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैगी को इसके अंदर मसाले को, ठीक है। तो जी तो हमने इसकी फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देनी है, ठीक है। हाँ जी, तो भाई यहाँ जो है ना मेरी मैगी जो है ना दम पे लगी हुई है अभी, ठीक है, क्योंकि 2-3 मिनट इसको भी स्टे करना है क्योंकि मसाला जो है ना अच्छे से मैगी एब्जॉर्ब कर ले। और आप लोगों में से कोई मैगी लवर है ना जो डेली मैगी खाता है, तो भाई उसके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, पहले बना लो, ठीक है, मतलब मैं पहले बना लूँ फिर आप लोगों को टेस्ट करके बता दूँ कि आपको बनाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और मुझे आइडिया नहीं है कि कैसी बनेगी और अभी तक मैंने टेस्ट भी नहीं किया। जो मैगी लवर है वो डेली जो है ना अलग अलग टाइप की मैगी बनाते हो, तो जिस टाइप की आप मैगी बनाते हो कमेंट सेक्शन में वो रेसिपी मुझे ज़रूर बताना ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपकी रेसिपी ट्राई करूँ और आपको शॉर्ट आउट दूँ, ठीक है जी। तो अभी जो है ना बस मेरी मैगी जो है ना पानी एब्जॉर्ब कर ले, मीन्स मसाला एब्जॉर्ब कर ले, और फिर जो है ना हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे, इसकी टॉपिंग्स डालेंगे एंड द सिप। तो यस गाइस, माय मैगी इज रेडी, ओके तो बस इसकी टॉपिंग कर लेते हैं हम, ठीक है। हम लोगों ने डालना है इस पे हरा धनिया और जो हमारा हाफ लेमन था ना बचा हुआ वो डाल देंगे एंड रेडी। सो भाई ये रेडी हो चुकी है हमारी स्पाइसी मैगी, ठीक है, चेक करो, ये चेक करो, चेक इट आउट, ओह माय गॉड। सो यस गाइस, योर वेट इज ओवर एंड माय वेट इज ओवर, मेरी भूख का इम्तिहान, मेरी भूख की घड़ी खत्म हुई। अच्छा, जो मैं शुरू में आपको ट्विस्ट की बात कर रही थी ना वो ये थी कि भाई मैं अपने आपको जो है ना फर्स्ट टाइम चैलेंज देने वाली हूँ, क्योंकि मैगी जो है ना जब तक आप चॉपस्टिक से ना खाओ ना तो मज़ा नहीं आता, तो मैं अपने आपको फर्स्ट टाइम चैलेंज देने वाली हूँ क्योंकि मैंने कभी भी चॉपस्टिक से जो है ना मैगी टेस्ट नहीं की, तो आज मैं मतलब चॉपस्टिक जो है ना यूज़ करूँगी एंड देन मैगी इसी से खाऊंगी, क्योंकि ये मेरे लिए एक चैलेंज होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम, मतलब आप जो है ना अपने आपको चैलेंज दिया करो कि मैं कर सकती हूँ, मतलब अगर मैंने पकड़ी है ना तो मतलब अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं खा सकूँ इसे, ठीक है जी। तो मैंने चैलेंज यही दिया है कि मैं चॉपस्टिक से मैगी खत्म करने वाली हूँ, तो जल्दी जल्दी चलते हैं और आपका इंतजार, मतलब आपकी घड़ियाँ खत्म करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं। भाई मैं मैगी बना रही थी, ये देखो, और यहाँ देखो ये शदाई आ चुके मैगी के मींस मैं और पापा उठे हुए थे पूरे घर में, बाकी पूरा घर सो रहा और मैं यहाँ चीख पुकारी कर रही, पापा कह रहे क्या कर रही है बेटा, मैं और पापा जब मैं मैगी फर्स्ट टाइम बना रही तो लोगों को बताना भी चाहिए कि ये रेसिपी ये है, ठीक है। तो भाई पापा आ गए, पापा कैमरा पकड़ेंगे एंड मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसी है। नो 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 पापा, भाई पापा आगे दिखाते हैं तुम कैमरा को। अच्छा पापा कैमरा पकड़े, ये क्या करनी है, पापा कैमरा पकड़ेंगे और मैं खाके दिखाऊंगी, सही है पापा? नो नो नो, ऐसी कोई कहानी नहीं, मैं खाके दिखाता हूं, तुम सीखो। नहीं नहीं, मैं सीखी सिखाई हूं, आप टेंशन नहीं लो, मैं सीखी सिखाई हूं। तो गाइस चैलेंज यही है कि हम दोनों बाप बेटी जो ना चॉप स्टिक से खा के आपको टेस्ट करके बताने वाले, तो ये हमारे लिए फर्स्ट लाइफ का चैलेंज वीडियो होने वाली है, देखो कैसे खाते हैं अब, ठीक है। मैगी जो रिव्यू देने वाली हूँ मैं आपको, पता है कि चॉपस्टिक के साथ ही देने वाली हूँ, तो भाई मैंने मंगा ली माउंटेन ड्यू, क्योंकि जहाँ ड्यू वहाँ हम, मतलब इसका शेर क्या था, जो ड्यू नहीं पिया तो उसने कुछ नहीं पिया। हाँ वही, जिसने ड्यू नहीं पिया उसने कुछ नहीं किया, तो यहाँ मैंने ड्यू मंगवा ली है और हमारी मैगी देख सकते हो आप लोग। अब चलो टेस्ट करते हैं, आपको भी जरा थोड़ी क्यूरियोसिटी कम करें और इसको टेस्ट करके बताएं। तो पहले हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं ताकि ज्यादा मिर्ची हो तो इससे काम बन जाए हमारा, ठीक है। ये रही जी हमारी माउंटेन ड्यू, आई आई आई, 3-2-1। वैसे 7 अब ज्यादा अच्छी होती है।
तो भाई पहले जो है ना हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है चॉप स्टिक की हेल्प से, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ट्राई करते हुए चॉप स्टिक से हम बस आज की तारीख में पकड़ लें हम पकड़ लिया फाइनली। कैमरे के बैक कैमरे के पीछे जो रिएक्शन है ना गाइस राल टपक रही है लोगों की। सो गाइस इट्स टेस्ट सो गुड लिटरली बहुत ज्यादा टेस्टी है। मतलब जो मैगी लवर है जो डेली बेसिस पे मैगी बना के खाते हैं वो ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। और अभी मम्मा पापा का भी जो है रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं, हम उनको भी टेस्ट करवाते हैं, खिलाते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या रिव्यू है। इन दोनों के मुंह में जो बैक कैमरा खड़ा है ना दोनों के मुंह में पानी गिर रहा है। और वाकई में बहुत ज्यादा डिलीशियस बहुत ज्यादा यमी बनी है। मैं अल्फाज नहीं है, इजी टू मेक है, मतलब यूं चुटकियों में बन गई। लेकिन मेरी जो मेहनत लगी जो पसीना बहा मैंने वो अलग बात है। तो भाई अपने घर में भी ये मैगी जरूर ट्राई करें। अभी मम्मा पापा के पास जाते हैं और उनको ये टेस्ट करवाते हैं, देन आपको उनके रिव्यूज भी शेयर करते हैं, ठीक है। आ जाओ पापा यहीं आ जाओ, आप ज्यादा लंबे हो गए तो कट जाएगी वीडियो। आ जाओ ये लो फर्स्ट टाइम चॉप स्टिक पकड़ो। पानी पहले गिर रहा है, आती है पकड़ लेंगे। कहा तो पहले यम्मी चला रही। एक मिनट के दिया था रिव्यू बता लोगों को। बेहतरीन प्रॉब्लम मशीन बहुत जल्दी रेडी हो गया गाइस। ये किसने पीने को बोला, ये पीने को किसने? चलो चॉपस्टिक उठाओ और मुझे धो के दो। ओह या अल्लाह, बाकी मैं वाकई बयान नहीं कर सकते इतनी टेस्टी बनी है। तो चलिए अब हम इसको पूरी फिनिश करते हैं, अम्मा को भी चखाते जरा, अम्मा के भी रिव्यूज दे लेते हैं। बहुत मजे की टेस्टी। चलो हाँ मम्मा 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 जल्दी उठो मैगी बनाइए, मम्मा जल्दी उठो, मम्मा मम्मा मैगी बनाइए, मम्मा मम्मा उठो, मम्मा मैगी बनाइए, मैगी चलो। अच्छा उठ भी गई खाने के लिए, कह रही रात के 3 बज रहे हैं, अल्लाह माफ करे, और उठी नहीं मियां खाने के लिए। चको चको जल्दी से चको बताओ लोगों को। बस फौरन नुक्स निकालना शुरू, खाएंगे नहीं चॉपस्टिक से खाना आता है जी। चिंगबांग चिंगबांग डा शो, ये तो खुद चाइनीज हैं। हैं पानी पानी तो पानी, मम्मा पानी मांग रही है गाइस। कोल्ड ड्रिंक में जान अटकी हुई है इसकी। चलो गई हम, मैं और पापा खाते हैं और मिडनाइट क्रेविंग्स एंजॉय करते हैं अपनी। मैं और पापा जल्दी से फिनिश करते हैं फिर आपको मिलेंगे व्लॉग एंडिंग के साथ। भैया देखो पूरी जो है ना मैगी ख़त्म हो गई है एकदम खल्लास, हमारी केन भी ख़त्म हो गया। बहुत टेस्टी थी, मतलब मेरा सब कुछ फिनिश हो गया, मतलब पेट जो है ना भर गया फुल। और मम्मा जो है ना हमें बगैर बताए सो गई कि मैगी बनी कैसी थी। मम्मा को उठा के पूछते हैं, मम्मा ओ मम्मा मम्मा मैगी कैसे बनी थी, खाली बताया कि कैसी बनी है, हैं कैसी बनी थी? अच्छी बनी थी यार, 4 बज रहे हैं। अच्छा सॉरी जा रही खा पी के सो गए, बताता है बंदा कि कैसी बनी कैसी नहीं। अब आइंदा खिलाऊंगी कुछ, आइंदा कुछ भी नहीं बना के खिलाऊंगी। तो मींस कि अगर हम आपको इसके अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं ना तो आपको इसकी मतलब जो चीज़ें आपको चेंज करनी चाहिए वो भी मुझे आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो है ना 2-3 टेबल स्पून जो है ना आप ऑयल डालें, मतलब ऑयल जो है ना कम से कम यूज़ करें, ओके हो गया। और इसके अंदर लेमन जो है ना वो आप हाफ ही यूज़ करें, मतलब मैंने 2 लिए थे ना हाफ करा था जो बीच में से, मतलब उसका ये वाला पीस आपने डालना है जस्ट,
जब पका रहे हो तब ये सिर्फ ये डालना है, और जब ऊपर से जब आप टॉपिंग कर रहे हो तब नहीं डालिएगा, क्योंकि लेमन बहुत ज्यादा तेज हो गया था। और आपने सिर्फ दो चीजें कंट्रोल करनी है, ऑयल और लेमन, ये दोनों चीजें आपने कम डालनी है। तो फिर आप लोग इसका टेस्ट देखिएगा, और अगर आप लोग चाहे तो वो जो मैगी का पानी था ना वो मत डालिएगा, मैगी को मतलब मैगी के पानी को फेंक कर फिर उसके अंदर जो है ना मैगी ऐड करिएगा। तो भाई यही था हमारा आज का ये व्लॉग, मैंने आपको बता दिया इसका अच्छा और बैड रिव्यू, मतलब गुड और बैड दोनों रिव्यूज मैंने आपके साथ शेयर किया। मतलब जो इंस्ट्रक्शन थी जो आपको मैंने देनी थी कि भाई ये यूज करो ये ना यूज करो वो भी आपको बतानी लाजमी थी, क्योंकि आपने भी ट्राई करना है तो ये रेसिपी आप सही से ट्राई कर लो। तो भाई बहुत ज्यादा टेस्टी डिलीशियस बनी थी ये डिश, आप लोग भी अपने घर में ट्राई करो और मुझे जरूर बताना, अगर जिसने भी ट्राई की हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना भूलना मत। तो गाइस इसी के साथ ही व्लॉग एंड करते हैं, अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक न्यू डिलीशियस रेसिपी के साथ और बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स के साथ, मीन जो जो आप लोग बोलोगे वही वही डेली मैं लेकर आती रहूंगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ में जो बहुत सारा, टाटा बाय, आई लव यू ऑल।